इतने आतंकी इतने अपने लाल धान गम तील जब सरिषा डाल धान गम तील जब सरिषा डाल ये पांच करते ये छोटा तेल जा हवे अपने लाल खावे ना होलु दिन आतंकी दिन तेरो का ये खान आलू का जब लग गये तेरे दादे घुरो होलु जाती है ना मैंने एक मान हलू दे यदि पंद्रह किलो मैदा दिए दे दीवार पर फाइल कर दे भूस तो बात अरे एक दिन हलू नहीं हो एक दिन हलू ना थे आशास्त्र में के मुक्ति तो करनी जो भी ब्राह्मण है तेरे तार तो करने के लोगों की अगर नो जिले पर मसला आ गया तो चले ना बस पढ़ो तेरे को तेरे को आ गया तो तो क्या चला जहाँ इस प्रकार पवित्र पावनाश इस अविष्ट प्रदाता एकत्र व्रत न करे तारा निश्चय नरक एकादशीटा अवश्य आलु भात कला आलु पेपे तरकारी कर खाए सिद्ध कर घी पीने अति झाल मसला एकादी सरसर तेल माखबें ना खाबें ना जत बार दान धर्म करी ना कर हरिनाम दीक्षा नहीं करते ही कष्ट छिड़ दी हमें हाँ तो मैं आरोप कैक जन विलम्ब कर विलम्ब कर ले भलो विलम्ब मैं जल पर्त विलम्ब कर ले सोलाना फल कर भगवान ऋषिकेश प्रतिविधान उत्तम व्रत सकाल ही कर এই ব্রতের সম্পর্কে মঙ্গলময় যে পৌরাণিক আখ্যান আছে তা বলছে পুরাকালে সূর্যবংশী মন্ধাতা নামে একজন রাজা ছিল তিনি সত্য প্রতিজ্ঞ প্রতাপশালী রাজ চক্রবর্তী ছিলেন
ऋषि
श्रीखंड ध्यानस्थया कहिलें हे राजन एक सत्य युग ए युगे सकल लोग वेद परायण ब्राह्मण भिन्न अन्य तमुषा करना किंतु राज्य शूद्र तमुषा ताको कई अकार प्रसारण नहीं राज्य विष्णु ताकि बहुत कर शास्त्री আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে সায়নি নামনি যে একাদশী আছে এই একাদশী এই ব্রত গ্রহ নিশ্চয়ই রাজ্যে বৃষ্টি হইবে রাজা মুনির এই কথা শুনিয়া নিজের প্রসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন আষাঢ় মাসে উপস্থিত হইলে রাজ্যের সকল প্রজা রাজার সেই তৃতীয় একাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিলেন ইয়াদি মেঘ বর্ষণ হইল পুনরায় ভূমি পুনরায় শেষ সামলে ভরপুর হইয়া উঠিল এবং আমার বিশ্বাস এলো আর সামনে একাদশী